हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं बताने वाला हूँ सैमसंग के वन यू आई 2.0 में प्री इंस्टॉल फोटो एडिटर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट चेंजेस हो चुके हैं उसमें। जो यू आई 1.0 में थे, उसके अलावा 2.0 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और कैसे आप उसको यूज़ कर पाएंगे अपने मोबाइल में फ़ोटो एडिटर को गैलरी के थ्रू सैमसंग में, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे एडिट कर पाएंगे, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल के एस लिए टेक। फोटो एडिट करने के लिए सैमसंग के प्री इंस्टॉल से तो आपको जाना है गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद आपको फोटो को सेलेक्ट करना है जिस पे आपको पहले एडिट करना है। लाइक मैंने ये फोटो खींच रखी है, लाइव फोकस में मैंने ये फोटो खींची है, तो आप इसमें पहले लाइव फोकस में आप इसका बैकग्राउंड भी पूरा चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे ब्लर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एंड देन ये इफेक्ट दिए हुए हैं बैकग्राउंड के नीचे बहुत सारे, आप अपने हिसाब से इसको पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। और फोटो एडिट करने के लिए आपको जाना है कैंसिल, ये पेंसिल से बटन जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ फर्स्टली आपको क्रॉप का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ से वीडियो फोटोज़ को क्रॉप कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको मिल रहे हैं इफेक्ट्स प्री इंस्टॉल, जो कि इफेक्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं पूरे इफेक्ट दिए हुए हैं। आप इसको यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड देन अगर आपको और इंस्टॉल करने हैं तो यहाँ डाउनलोड पर जाएंगे तो एक गैलेक्सी स्टोर पर ले जाएगा, आप वहाँ से और इंस्टॉल कर सकते हैं प्री इंस्टॉल इफेक्ट्स, जिसमें आपको मिल जाएंगे इफेक्ट्स किस किस के इफेक्ट्स दिए हुए हैं, ये सैमसंग एडिटर के सैमसंग के नीचे वाले हैं, ये कैंडी कैमरा के दिए हुए हैं, तो आप ये भी उसमें मर्ज कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे सिंपली और ये वहाँ पर ऐड हो जाएगा, और वहाँ से भी आप इफेक्ट अप्लाई कर पाएंगे फोटो सैमसंग फोटो एडिटर के थ्रू। इफेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए जो सेकेंड ऑफ थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ ब्राइटनेस आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, एक्सपोजर मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रास्ट मेंटेन कर सकते हैं, सैनिटाइजेशन मेंटेन कर सकते हैं, ह्यू मेंटेन कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप कलर इफेक्ट दिए हुए हैं बहुत सारे, तो आप ये भी इसको पूरा पूरी तरह से इफेक्ट पूरी तरह से इसको चेंजेस कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड 10 वन यू आई 2.0 में बहुत अच्छा अपडेट दिया है। और अगर आप स्टिकर लगाना चाहते हैं अपने, ये स्टिकर की एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि लाइव फोकस फोटो पे ही चलती है, यानी कि पोर्ट्रेट फोटो पे ही। आपको यहाँ थोड़ा स्टिकर को क्लिक करके रखना होगा, क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐसा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, आपको करना होगा इसको ऑन। ऑन करने के बाद आपको करना क्या है, लाइव फोकस में कोई भी एक स्टिकर दिखाएंगे, लाइव फोकस में आप कोई भी स्टिकर उठाएंगे तो ये बैकग्राउंड में, मतलब फोटो के बैकग्राउंड में जाके सेट हो जाएगा। कैसे, लाइक मैंने ये उठाया, इस फोटो पे वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं आपको दूसरी फोटो में करके बताऊंगा ये किस में सपोर्ट करेगा। तो ये वहाँ से पूरी की तरह बैकग्राउंड में चले जाता है, ये कुछ फ़ोटोज़ में सपोर्ट करता है। एंड देन आप यहाँ से स्टिकर्स लगा सकते हैं, बहुत सारे स्टिकर्स ये दिए हुए हैं, आप बहुत सारे स्टिकर ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, टेक्स्ट डालने का ड्राइंग कर सकते हैं आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हो फोटो को। देन अपने आप ट्यून एडजस्ट कर सकते हैं, स्मूथनेस एडजस्ट कर सकते हैं, आईज को एडजस्ट कर सकते हैं, जावा लाइन एडजस्ट कर सकते हैं, तो बहुत कुछ एडिट में दिया हुआ है। या अपने बीच बैकग्राउंड कलर को इफेक्ट कर सकते हैं, आप देख रहे हैं इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को अगर हाईलाइट करेंगे तो ये पूरे उसके हिसाब से एडजस्ट कर देगा, तो बहुत मस्त एडिटर है सैमसंग के द्वारा फोटो एडिटर, जो कि प्री इंस्टॉल्ड है। बस आपको 9.1 यू आई 2.0 का इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ न्यू चेंजेस मिल जाएगा, जिसको आपको चलाने का लगी मज़ा आएगा। तो मैं आपको एक वाला इफेक्ट बता दे रहा हूँ जो कि उसमें ही चलता है, लाइव फोकस वाली फ़ोटो पे ही, आपको चला के दिखा देता हूँ कैसे चलता है। जैसे लाइव फोकस फोटो है, मैं चेंज पे जाऊँगा, चेंज पे जाने के बाद या स्टिकर पे गए, उसको इनेबल कर लेते हैं एक बार इनेबल करने के बाद दूसरे बार इनेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी ये यहाँ पर वर्क करेगा, अब यहाँ देख रहे हैं आपको नीचे लाइन मिल रही है। अब मैं जैसे इसको पीछे करूँगा, ये देखिए अंदर घुसता जा रहा है और ये पीछे की तरफ बैकग्राउंड पे, अभी फ़ोटो के इफेक्ट के ऊपर है ये, जैसे जैसे फ़ोटो आप आएगी वैसे वैसे ये एडजस्ट होता जाएगा। ये देख रहे हैं आप, फ़ोटो के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कुछ कुछ फ़ोटो में अलग जहाँ जहाँ फोकस रहेगा या पीछे फोकस रहा होगा तो ये फोकस के हिसाब से एडजस्ट होता है, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं एडजस्ट। तो एक ये भी ऑप्शन बहुत मस्त है स्टिकर को लेके। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। तो
थैंक यू दोस्तों।